रानीखेत तहसील के ताड़ीखेत में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पलायन रोकने के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बिच्छू घास सिसौन से ऑर्गेनिक चाय और रेशे से कपड़ा बनाने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यशाला में अल्मोड़ा ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रीप एवं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा बिच्छू घास से रेशा धागा एवं कपड़ा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में ताड़ीखेत और भिक्यासैन में 50-50 महिलाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। कार्यक्रम में विशेष कार्याधिकारी पर्यटन भास्कर खुलबे एवं सचिव ग्राम्य विकास विभाग मुख्य परियोजना निदेशक ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक प्रमोद नैनवाल ने की। इस अवसर पर विभिन्न महिला सहायता समूह तथा अन्य के द्वारा स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों की जानकारी भी दी गई, जिसमें वहां उपस्थित महिलाओं तथा अन्य सभी के द्वारा बड़ी रुचि दिखाई गई और लगातार उन उत्पादों के बारे में प्रदर्शनी देने वालों से जानकारी ली गई। यहाँ आप बिच्छू घास की ये डंडियाँ देख रहे हैं और ये धागा वगैरह जो इसके ऊपर रखा है ये बिच्छू घास से बनाया गया है। आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुन्नी मेहता है, मैं डीनापानी से हूँ। अच्छा, डीनापानी से हूँ। तो इसको हम सबसे पहले हम इसका जो है पहले रेशे निकालते हैं। अच्छा, तो इसके रेशे निकल जाते हैं तो इसको हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद तो फिर ये इस लिपमा आता है, ये इसमें आता है तो हम इसके फिर छोटे छोटे इसके लोई बनाते हैं। लोई बनाने के बाद हम इसको अगले दिन पानी में भिगा देते हैं। जी अच्छा। पानी में भिगाने के बाद इसको हम फिर दूसरे दिन हम इसको राख वगैरह मिला करके खूब मतलब 4-5 घंटे पकाते हैं। इसको पकाने के बाद इसको फिर जहाँ बहता हुआ पानी होता है वहाँ पे हम लोग इसको सिंचाई करते हैं। उसका जो ये धुल के आता है तो हम इसको एक कमेट होता है, कमेट में इसको हम वॉश करते हैं। इसे वॉश करके उसको यहाँ डाल देते हैं। सूखने के बाद उसको फिर चूटा जाता है। चूटने के बाद फिर इसका ये लुक आता है, इसमें ये लुक इसमें ये आता है। इसके बाद हम इसकी कटाई करते हैं तो ये इस लुक में आता है। अच्छा, ये मशीन से होता है या हाथ से होता है? ये इस चरखे से कर रखा हमने। अच्छा, इस चरखे से किया जाता है। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है, मैं दिखाऊँ प्रोडक्ट आपको। ये इसी से बना सारा, ये बिच्छू घास से बना है, ये नेचुरल है। और इसमें जो है डाई किया जाता है। अच्छा जी। इसी में डाई करके इसको हम अंदर से सिल्का लगा करके बाहर से तुलसी के बीड्स लगा देते हैं ताकि ये और अच्छा दिख जाए। तो ये डाई भी हम लोग करते हैं अपने हाथ से। अच्छा जी। और ये फर्स्ट ये है, ये जब एकदम प्राइमरी है। हाँ, उसमें ये कंडीशन दिखाई देगा। ये जो फर्स्ट ये मतलब नेचुरल है जी। अच्छा, ये नेचुरल है, इसमें जो है डाई किया हुआ है। तो ये क्या कॉस्ट में बिकता है मार्केट में? हम तो इसको 4,000 में नेचुरल वाला बेचते हैं और जो ये सिल्क और बीड्स लगे इसको 6,000 में बेचते हैं। 6,000 में। तो इससे क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं आप लोग अभी? तो सर हम यही चीज़ बना रहे हैं, क्या कहते हैं अभी स्टोरी बना के हमने। अब हम बहुत सी सोच रहे हैं कि हम इसका कपड़ा बनाएंगे। अच्छा, अब लूम मिल गई है, लूम मिल जाएगा तो हम उसको कपड़ा बनाएंगे। अच्छा, तो आपकी कितनी सेल हो रही वगैरह हो रही है मार्केट में, इसकी डिमांड आ रही है आपके पास? सर अभी तो स्टार्टिंग कर रखा है इन लोगों ने, लेकिन जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ पर काफ़ी सेल होती थी इसकी। अच्छा, क्योंकि मैं पहले कोई कंपनी में काम करती थी, मैंने वहाँ से रिटायरमेंट लेकर के अभी हम लोगों ने कोई किसी कोई और है उनके साथ काम करती हूँ। अभी उनकी स्टार्टिंग हुआ है, 1 साल हुआ है, वो वहीं से बेचते के लिए बाहर ही बेचते हैं। अभी मुझे पता नहीं कितनी सेल हुई है। अच्छा जी, तो ये आप लोग जो बेच रहे हैं ये केवल लोकल में बेच रहे हैं या कहीं बाहर भी भेजते हैं? इसको बाहर जाते हैं, बाहर विदेश में से हैं। विदेश में जाते हैं, यहाँ कम होती है। अच्छा जी। हाँ, जो ये इसका जो कच्चा माल है ये आप किन लोगों से लेते हैं? सर ये पिछड़ा कोई मिश्रा जी है, उनसे हम लेते हैं। अच्छा, वो लोग अपने वहाँ कलेक्ट करके रखते हैं तो हम कंट्रोल के हिसाब से एक बार पेपर में एक दो पेपर मंगा लेते हैं ताकि हमारा साल भर हमारा काम चले। अच्छा, तो मिश्रा है। रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल द्वारा इस अवसर पर प्रत्येक स्टॉल में जाकर आयोजकों से
उनके उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की गई। हमारे जो यहाँ की उपज है बिच्छू घास जिसे हम लोकल भाषा में शोषण करते हैं, उसमें चूँकि औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती है, भरपूर होती है, तो उसको कैसे हम उसके ऑर्गेनिक चाय बनाएं, कैसे हम उसको अन्य जो खाद्य सामग्री वो तैयार करें, और उसी के साथ ही साथ जो उसका पौधा है तो उस पौधे के रेशे से यहाँ पर कपड़ा तैयार करने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर और एक गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया था। और मुझे विश्वास है बहुत जल्दी यहाँ पर उसके जो उत्पाद हैं उनको तैयार करके मार्केट में हम लाएंगे, ऐसा विश्वास है। तो यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है महिलाओं को? हाँ, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस कैसे रेशा निकालेंगे, कैसे उसे उस रेशे से धागा तैयार करेंगे और किस प्रकार उसे कपड़े तैयार करेंगे, अंगवस्त्र तैयार करेंगे, ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर कैसे उसे ऑर्गेनिक चाय बनाएंगे इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका मार्केट के लिए भी कुछ आगे विचार बन रहा है? हाँ, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि इसको बड़े बड़े होटलों में और जो जो बड़े बड़े प्रदर्शनियाँ लगती हैं वहाँ, और विशेषकर जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, चाहे नैनीताल है, रानीखेत है या अन्य जो हमारे उत्तराखंड के पर्यटक स्थल हैं, यहाँ पर हम इनके लिए स्टॉल मांगेंगे और छोटी छोटी दुकानें और सेल सेंटर की मांग करेंगे। और बहुत जल्दी अगर ये हमको मिल जाता है तो हमको उत्पादों को बेचने के लिए केंद्र जिस दिन मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी जो आर्थिकी है मजबूत होगी।